उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है, जहां पिथौरागढ़ घाट बारहमासी सड़क पर भारी भूस्खलन होने से पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे बंद होने से हजारों यात्री भूखे प्यासे ही रास्ते में फंसे रहे। ये जानकारी आ रही है कि भूस्खलन मंगलवार देर रात करीब 1 बजे हुआ था। रास्ता बंद होने की वजह से बुधवार को गाड़ियों का संचालन नहीं हो सका। वहीं गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दरअसल ये हाईवे पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है। हाईवे के बंद होने से रसोई गैस, सब्जी, दूध, ईंधन और जरूरी सामानों की गाड़ियां भी पिथौरागढ़ नहीं पहुंच सकी। उधर अधिकारियों ने जानकारी दी कि पहाड़ी दिरकने से सड़क पर काफी मलबा जमा हो गया, इसे साफ करने में लंबा वक्त लग सकता है। उधर लोग भूखे प्यासे रहकर नेशनल हाईवे के खुलने का इंतजार करते रहे। पिथौरागढ़ घाट हाईवे के बंद हो जाने की वजह से यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क को खोलने के लिए 3 पोकलैंड, 2 जेसीबी और 8 टिप्पर लगाए गए हैं। मलबा बहुत ही ज्यादा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े हैं, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।